कितने बड़े बजरंगबली। तो फाइनली आज भी हम लोग का गेम हो गया, लगभग 1.5-2 घंटा खेले हैं। हम लोग निकल रहे हैं कॉफी शॉप, थोड़ा कॉफी वॉफी पीते हैं। अरे वाह भाई, सुबह सुबह इतनी ट्रैफिक। तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है न्यू ब्लॉग में। तो एक बार फिर से आ गया है सैटरडे और एक बार फिर अपन निकल गए हैं गेम खेलने। मॉर्निंग 4:30 हो रहे हैं। पेट्रोल तो है गाड़ी में, तो पेट्रोल की ज़रूरत नहीं है। चल भाई चल, यहाँ से अपन डलवाए थे लास्ट टाइम पेट्रोल। बहुत ही सुहाना मौसम, और इस समय आप लोग देखेंगे तो आप लोग को प्लेयर्स बहुत दिखेंगे जो खेलने जा रहे हैं, सुबह सुबह उठ के स्टेडियम जा रहे हैं, क्लब्स जा रहे हैं। अपनी गाड़ी को भी अपग्रेड करने का समय आ गया है, टू व्हीलर को। जल्दी से अपन अपनी टू व्हीलर को भी अपग्रेड करेंगे, लेकिन ये गाड़ी तो साथ में रहेगी अपने, इसको कहीं नहीं भेजने वाले अपन। ओल्ड इज़ गोल्ड, इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करा के इसको चकाचक कर देंगे। तो हम लोग आज फिर कोको से मिल लिए एक बार। ये देखो कितना खुश हो रहा है देख के। बाय कोको, बाय बाय। और सर कैसे हैं आप? मैडम कस्तो हुनुहुन्छ? ठीक छो। अरे 5 मिनट, तेरा 5 मिनट हो गया। मैं ना आधे घंटे से तैयार होकर बैठी हूँ। तो हम लोग अभी जा रहे हैं हृदेश भैया के यहाँ। बजरंगबली कितने कितने बड़े बजरंगबली। फ्लैट नंबर क्या है? अरे चलो रोशनी तो आ गई, देखो कौन है। हेलो। चलो फाइनली हम लोग पहुँच गए हृदेश भैया के यहाँ। विजिटर पार्किंग में कार खड़ी कर दी है अपन अपनी, पीछे चलते हैं अब ऊपर। तो अपन एंट्री करवा देते हैं सोसाइटी गेट पे। रोशनी अपने फ्रेंड्स लोग से मिलवा दो, राजवी को, अनिका, अगस्त्य, यादवी, दीत्या, हृदेश भी आप देख के क्या बोले? देखो पेड़ चला रहे हैं। पेड़ नहीं चला रहा है, पेड़ के पीछे जा रही है। इतना क्यों डर रहे हो भैया, इतना क्यों डर रहे हो आप? अच्छा ये बताओ भैया, घर की सफाई कौन किया? ये यही घर है क्या है जो मैं सुबह आया था घर के? आधा आपने किया? आधा आपने किया? आधा नहीं, आधा से ज्यादा मैंने किया। ये लो। उनने पूरा पूरा टेबल मैंने खाली करके दिया, उनने कपड़ा उठा दिया, बोलते थे टेबल चेक कर दिया। नॉनसेंस। मतलब भैया कहाँ तक मैनेज करोगे आप? इतने प्यार से बोलो ना आधा आधा किए। नहीं उसमें भी देखिए, उसमें भी चलो अपन चाह रहे हैं अभी मार्केट, मार्केट से आते हैं कुछ सामान लेना है। तो हम लोग आ गए मार्केट सामान लेने अभी। और मास्क अभी तो हर जगह कंपलसरी है। हेलो गाइस, कैसे आप लोग? पार्टी कर रहे हैं अभी हम लोग। राजवी और मेरी पार्टी चल रही है। अरे रोशनी दीदी, रोशनी दीदी की पार्टी चल रही है। हृदेश भैया पूरा खाना बनाया है आज। मैं आप खाती हूँ, मैं चिकन नहीं खाती। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? सुबह के बज रहे हैं लगभग 6 और हम लोग आ गए हैं क्लब। आज है हम लोग का थोड़ा बैडमिंटन का ट्रेनिंग, उसके बाद खेलेंगे मैच। सब लोग आए हुए हैं, सैफी भैया हैं, मनोहर भैया हैं, भैया भी हैं। सैफी भैया हाय बोल दो। सर इज अवर सर, ही विल बी गिविंग ट्रेनिंग टुडे। न्यू क्लब, न्यू पॉसिबिलिटी, न्यू एनर्जी, बट सेम कोच, सेम तो हम लोग आज जो क्लब में आए हुए हैं ये इंटरनेशनली स्टैंडर्ड से पूरा मेंटेन है। आपको मैं दिखाता हूँ, कोर्ट तो आप लोग को दिख ही रहा है, आपको मैं जिम भी दिखाता हूँ। तो गाइस आप लोग देख रहे हैं जिम कितना बड़ा है यहाँ पे,
बहुत ही मस्त। तो थोड़ा वार्म अप करते हैं, उसके बाद ट्रेनिंग चालू करते हैं। तो फाइनली आज भी हम लोग का गेम हो गया, लगभग 1.5-2 घंटा खेले हैं और लास्ट में स्ट्रेचिंग चल रहा है। क्यों भैया, कैसा लगा आज का गेम आपको? बहुत बढ़िया था गेम तो। आज मेरा बैक भी पेन कर रहा था, फिर भी मैं बोला खेलूंगा आज। मज़ा आया, खेलता रहा मैं 6-7 मैच खेल लिए। मनोहर भैया कैसा लगा? बहुत बढ़िया रहा, नया कोर्ट है, नया एक्सपीरियंस है, एकदम जम के खेले हैं। खूब पसीना बहाए हैं। हाँ, मेहनत की कमाई है। फैसिलिटी बहुत अच्छी है और अच्छे कॉम्पिटेटिव गेम हुए। तो यह हमारे कोच साहब हैं, संतोष सर हैं, बहुत बढ़िया सिखाते हैं, इंजरी फ्री कोचिंग है। चलते हैं अब कॉफ़ी पीने सब लोग बाहर। तो गाइस गेम हो गया, अब हम लोग निकल रहे हैं कॉफ़ी शॉप, थोड़ा कॉफ़ी वॉफी पीते हैं, गर्म होते हैं। यहीं के पास में ही कॉफ़ी। अरे वाह, एक नंबर मौसम। कौन सा गेम चल रहा है? वो बास्केटबॉल चल रही है। टॉमी, क्या नाम तेरा? बब्बर। तो हम लोग घर गए थे, घर में सब सोए हुए थे, उसके बाद हृदय जी और मैं सोचे थोड़ा आते बाहर से सामान लेके, दूध दूध चाय के लिए, तो मार्केट जा रहे। तो कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। 8:30 बज गए ना भैया? 9 बज गए हैं और हम लोग जेपी नगर में हैं, डॉलर्स कॉलोनी में। मैच चल रहा है, एक नंबर माहौल है, आप लोग को दिखाता हूँ मैं। ग्राउंड वॉलीबॉल भी चल रहा है, क्रिकेट भी चल रहा है, लोग ट्रैकिंग जॉगिंग भी कर रहे हैं। हाँ, और आप लोगों को बता दूँ, कल वैक्सीनेशन सेकंड डोज मेरा हुआ। फर्स्ट डोज में तो थोड़ा सा मेरे को लेजीनेस था बॉडी में, लेकिन सेकंड डोज के बाद उसके कुछ पता नहीं चला, हल्का सा पेन है हाथ में आज, लेकिन बहुत पसीना निकाले अपन ने भी। पसीना बहुत निकाले और मज़ा भी बहुत आया। और बता दूँ, घर में सब लोग सो रहे हैं, रात को सब लेट सोए हैं, पर जो खिलाड़ी लोग होते हैं उनको समय से कोई मतलब नहीं होता, वो 1:30 सोए, 2 बजे सोए। हम लोग भी 2 बजे सोए थे, लेकिन उठ के 4 बजे खेलने चले गए थे, 5 बजे सोए, 5 बजे गए। और अभी भी इस बात का इंतज़ार हो रहा है कि बाकी लोग कब उठेंगे, तो हम घर जाएंगे और यहाँ पर टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन मज़ा आ रहा है यहाँ पे, नहीं अच्छा है, सो रहे हैं उन लोग, मौसम भी अच्छा है। खेलने के लिए कितना क्रेज़ी है, 4-5 बजे उठ के खेलते हैं। लाइफ में स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है, आप कुछ भी करो, जॉब करो, बिजनेस करो, अपना दुकान चलाओ, कुछ भी करो, लेकिन साथ में कोई ना कोई राहुल अदर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। जोरों से प्रैक्टिस चल रही है, एक आध दो धोनी तो इस ग्राउंड से निकलेंगे ही, आज नहीं तो कल। केएल राहुल बैंगलोर की बात हो रही है तो केएल राहुल इसी ग्राउंड में खेल के प्रैक्टिस किए हैं, राहुल द्रविड़ भी बैंगलोर के हैं, तो यहाँ खेले ही होंगे कभी ना कभी। तो अभी आ गए हैं घर, देखते हैं बाकी लोग क्या कर रहे हैं। तो हम लोग अब घर निकलने वाले हैं, जो लोग सामान लेने गए हैं जैसे ही आते हैं तो उसके बाद सबके सब घर निकलेंगे। तो यहाँ थोड़ा गार्डन वार्डन घूम लेते हैं, मौसम बहुत बढ़िया है। कहाँ है दिखाओ, टच करो। अरे वाह, तो ये है सोसाइटी, तो ये है रोशनी, और इधर जब रोशनी अभी यहीं छोड़ के रोशनी को जा रहे हैं हम लोग। और ये है छुटकी राजवी, ये राजवी है। चलो कार में सामान वामान रखो, तो हम लोग कार में सामान रखते हैं और निकलते हैं अब सीधा घर। हम लोग का चल रहा है यहाँ पे लंच, ये देखिए सब के सब भिड़े हुए खाने में। देखो राजवी क्या खा रहे बेटा? मैं चीजी डोसा खा रही हूं, उसका चीज है। सबका खाना हो गया है, वेट कर रहे हैं आधे घंटे से राजवी का, तो इतना धीरे खाती है, आइसक्रीम और चॉकलेट दे तो घबा घब खा जाएगी। ये देखो सबसे रुकी हुई है, खाना है क्या? देख रहे हैं आप लोग राजवी ड्रोन उड़ा रही है। तो यहाँ चल रहा है ड्रोन उड़ाने का कंपटीशन, तो अभी जीजा की पारी है, आप लोग देखिए जीजा कैसे उलांग बाटी मारते हैं। हाँ जीजू, उलांग बाटी मार के दिखाइए ड्रोन को। अरे वाह, ये मेरी दीदी का फ़ोन आया चंडीगढ़ से, ये रियांश
बहुत बदमाश बच्चा है रियांश।